तो फ्रेंड्स, फिश करी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगा दूंगी, हाथ से ही लगाना है आपको इस तरह से, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर आपको स्प्रेड कर देना है ऊपर से, और थोड़ी हल्दी पाउडर आपको ऊपर से स्प्रेड कर देना है, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब नींबू का रस आप ऊपर से आपको डाल देना है। मैंने थोड़ा सा मसाला लगाने से पहले मैंने इनको बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं फिश को कैसे वॉश करें। तो फ्रेंड्स, इनको 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। और अब एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें ऑयल ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा ऑयल लिया है। अब ये जो फिश में मैंने मसाला हल्का सा लगा के रखा था, आपको इन्हें वॉश नहीं करना है, अब इनको फ्राई करना है, क्योंकि मैंने पहले ही वॉश कर लिया था। और गैस की फ्लेम को आपको, तो हम जल्दी से इसकी साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि फिश बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो गल जाएंगी। बस आपको 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है ऑयल में, बस फिर इनको निकाल लेना है। फ्रेंड्स, चलिए अब फिश की करी तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं ले लेती हूँ ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो अब ले लेते हैं, ऑयल हो चुका है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच ले लीजिए, और इसमें अब ऐड करेंगे हमारे पास प्याज का और टमाटर का पेस्ट है। 2 प्याज का मैंने छोटी प्याज का लिया था और 1 टमाटर बड़ा। तो फ्रेंड्स, हमारी प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब 1 चम्मच मैं हल्दी पाउडर लेती हूँ, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, और ये फिश करी मसाला है हमारे पास 1 चम्मच। आपके पास हो तो आप ऐड करिए, वरना आप स्किप कर दें। और 2 चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, मैं नमक थोड़ा कम ही ले रही हूँ, क्योंकि मैंने फिश पे थोड़ा लगा दिया था। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें मसाला सारा डालने के बाद, और इसको अब भूनना है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, ये इमली का पेस्ट है हमारे पास, जो इमली आती है, इससे टेस्ट आपका मछली करी का बहुत ही अच्छा आने वाला है। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप अगर चाहें तो डालें, वरना स्किप कर दें। फ्रेंड्स, अब मसाले को मैं फुल फ्लेम पे भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा मसाला पूरी तरीके से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देंगे। वाटर आप अपनी फिश के अकॉर्डिंग ही ऐड करिए, आपके पास जितनी फिश हैं। तो ये मैंने फिश के अकॉर्डिंग ही पानी इसमें ऐड कर लिया है। अब आपको, मेरी फिश फ्राई हो चुकी हैं, ये फिश मैंने फ्राई कर ली है, अब इसको मैं इस करी में ऐड कर दूंगी। तो ये फिश मैं ऐड करती हूँ इसमें। आपको बहुत ही सॉफ्टली तरीके से इसमें ऐड करना है, क्योंकि फिश टूट सकती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो ये मैंने फिश इसमें ऐड कर दी है करी में। अब इसको आपको हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट बस पका लेना है, स्लो पे मत पकाइएगा, क्योंकि फिश सॉफ्ट होती है, मैंने बताया है, वो बहुत जल्दी गल जाएंगी। तो चलिए 1 से 2 मिनट आपको इसको पकाना है, और इसकी लेड लगा देंगे आप। तो चलिए दोस्तों, चेक कर लेते हैं, हमारी फिश करी बनके तैयार हो चुकी है, और इस पे अब हमारा धनिया गार्निश कर देंगे। तो चलिए, अब ये खाने के बिल्कुल रेडी है, इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी फिश करी बनके तैयार हो चुकी है, इसको मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया है। और इस रेसिपी को आप अपने घर पे ट्राई करिए, मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये पसंद आएगी, और बहुत ही मज़े की बनी हुई है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए, आप अपने घर पे इसको ट्राई करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।